नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 3 अलग अलग छोटे सोलर पैनल यूज़ किए और उनको सीरीज़ में जोड़ा, जिससे इनकी वोल्टेज एडअप हो जाएगी और हम इसको सन में रखकर चलाकर देखेंगे ये मोटर को कितनी स्पीड से घुमा पाते हैं। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर पावर आ गई है और ये इसमें ठीक से वीडियो में रिकॉर्डिंग में ऐसे दिखाई दे रहा है घूमता हुआ। ये काफ़ी तेज़ घूम रहा है क्योंकि इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसमें इस तरह से ये इंटरमिटेंट से दिखाई दे रही है, पर ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। बट हम इसको इससे भी चेक करेंगे कि अगर हम इनको सीरीज़ में ना लगा कर पैरेलल में लगा लें तो जैसे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज एक सोलर पैनल के बराबर रहेगी, तब कितना इसमें डिफरेंस आता है। इसमें जितनी स्पीड ये घूम रहा है उससे इसकी जो एयर है उसको फील नहीं किया जा रहा। मैं अगर सोलर पैनल को कवर करता हूँ तो ये बंद हो जाती है मोटर। नाउ फ्रेंड्स, मैं इसके कनेक्शंस चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने इनको सभी सोलर पैनल को सीरीज़ में जोड़ा था, अब मैंने पैरेलल में जोड़ रहा हूँ, सभी पॉजिटिव इकट्ठे और सभी नेगेटिव इकट्ठे, और फिर आउटपुट लूँगा मोटर के लिए। इससे करंट बढ़ेगा और वोल्टेज एक सोलर पैनल के बराबर रहेगी। पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद सेम टाइम पे हम इसकी आउटपुट चेक कर रहे हैं। अब की बार ये मोटर और ज़्यादा तेज़ घूम रही है पहले के मुकाबले में, और इससे इसकी जो एयर का फोर्स है वो भी फील किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम 3 लगाते हैं तो हमें करंट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि 6 वोल्ट तो एक सोलर पैनल की वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमें 6 वोल्ट मिल रही है जो इस मोटर के लिए काफ़ी है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट। हैव ए नाइस डे।